महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है। उनका दाह संस्कार आज ही हुआ। कल शाम को ही खबर आई थी कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि रात करीब 3 बजे उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मनोहर जोशी की अगर बात की जाए तो एक शानदार व्यक्तित्व के इंसान थे। मनोहर जोशी शिवसेना के दिवंगत नेताओं में एक थे। बता दें कि जोशी साल 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और वो अविभाजित शिवसेना की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। इसके अलावा मनोहर जोशी सांसद भी रह चुके हैं और 2002 से 2004 तक तत्कालीन वाजपेयी सरकार में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। मनोहर जोशी मार्च 1995 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी न केवल शिवसेना के ओर से पहले सीएम बने, बल्कि शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीबी सहयोगियों में से भी एक थे। जोशी को बाला साहेब का बहुत वफादार माना जाता था। इसीलिए जब पिछले साल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका हाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले वो शिवसेना के पहले नेता और साल 1967 में शिवसेना के गठन के वक्त से ही इस पार्टी से जुड़े रहे हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नंदवी गांव में हुआ था। जोशी 2 दिसंबर 1937 को मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम गजानन कृष्ण जोशी और माँ का नाम सरस्वती गजानन था। तो ये थी आज की खबर। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।